बुलंदशहर से रेशु कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर भाकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर यूनियन का झंडा लगा दिया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि पुलिस ने गेट से किसानों का झंडा उतरवा दिया, मगर उसके बाद किसान कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि सरकार दिवाली पहले ही गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान कराए। साथ ही किसानों ने विद्युत विभाग द्वारा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे तुरंत बंद करना होगा। किसान नेता मांगेराम त्यागी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के आदेश पर यूपी में किसान अनिश्चितकालीन धरना देंगे और मांगों को मनवाने के बाद ही किसान धरना समाप्त करेंगे। किसानों की मुख्य मांगों में बिजली की दरें कम करना, गन्ना मूल्य बढ़ाना, बकाया भुगतान करना और फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना जैसी मांगे शामिल है। वही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज किसान यहाँ जमा हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए हैं, क्यों, क्या मांग है आपकी? आज राष्ट्रीय आह्वान पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिखर्जी का ये आदेश है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम कलेक्ट्रेटों का घेराव कर रहे हैं। तो आज हमारा जो मकसद है वो ये है कि गन्ने का तो तत्काल भुगतान हो दीपावली से पहले और जो गन्ने का रेट तय हो है, गन्ने का भाव कम से कम 600 रुपये क्विंटल होना चाहिए और जो मक्का और धान लुट गई हैं आज व्यापारी के घर में पहुंचे, इनका भाव ठीक दुगना हो गया है, ये नीति में सुधार हो ताकि किसान लुटने से बचे। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो बिजली विभाग इस वक्त किसानों के ऊपर कहर बन के टूट पड़ा, इसका तत्काल जो है कुछ ना कुछ निवारण करा जाए। किसानों को वरना आत्महत्या की तरफ अग्रसर कर रहा बिजली विभाग, झूठी रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, झूठे इनके मीटर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं अखबार में डेली मीटर जो है गड़बड़ है, वो सारे मीटर चेक करे जाए दोबारा, जो बिजली के मुकदमे किसानों के ऊपर झूठे लिखे गए उन्हें वापस किया जाए, यही मांग है। कितने दिन की इन्हें मोहलत दे रहे हैं आप लोग जी? कितने दिन की मोहलत दे रहे हैं आप लोग? मोहलत नहीं देंगे, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा।